ये जो आपने अभी हमें एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक बोला है तो सही बैडमिंटन बैडमिंटन प्रैंक तो प्रैंक नहीं कहूंगा लेकिन ये बहुत चीटिंग करती हैं तो हम लोग उदयपुर में थे हम शूट कर रहे थे तो हम जब खाली टाइम होता था तो हमें नया नया शौक लगा था कि बैडमिंटन खेला जाए मैम कमाल की प्लेयर हैं और तो जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम एक आध दो पॉइंट से जीत जाते थे लेकिन वो मानती नहीं है एंड तक नहीं नहीं गलत गलत है वो गिरा ही नहीं यहाँ पे शटल वहाँ पे गिरा तो हमसे पूरा तर्क करती थी और शाम रात ठंड में जब तक ये जीतेंगी नहीं ना घर नहीं जा सकते आप हम खेले जा रहे हैं और एक बार सारी सारी भैंस जब खत्म हो जाती थी वो कहती थी चुपचाप बैठ जाओ तुम जूनियर हो अच्छा कभी भूतनी का कहा है किसी को लेकिन लाइफ में जैसे इसमें डायलॉग है एक्चुअली भूतनी का ख्याल कैसे है भूतनी के हम लोग भूतनी के तो नहीं एक्चुअली इन्होंने अभी कहा भी था ना कि कैटरीना मैम खुद एक भूतनी का किरदार निभाना चाह रही थी इसकी वजह ये है कि मैम का जो ब्रांड है के बाय कैटरीना जो मेकअप ब्रांड है उसका प्लग इन उसका एक नया रेंज आने वाला है बहुत ही भूतिया टाइप का जिसका नाम ही है भूतनी के तो ये पूरी फिल्म ही इस मायने पे बनी